हे गाइस व्हाट्सअप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है वो इंडियन सरकार को वो करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इंडियन सरकार नहीं कर पा रही है, इंडियन जनता जो है वो करके दिखा रही है। और आज ये वीडियो जो है त्रिपुरा से है, आशा है कि दूसरे इंडियन शहर भी जो है वो भी त्रिपुरा से सीखे और बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव जो है वो रखे। हो सकता है कुछ बांग्लादेशी लोगों के लिए वो अनफेयर हो, बट आप रिलीजन से भी कुछ पता कर सकते हैं कि किसके लिए ऐसा बर्ताव रखना है और किसके लिए नहीं रखना है। और आज जो त्रिपुरा के लोगों ने किया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर सरकार ये स्टेप लेती तो जनता को ये स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार की इफेक्टिवनेस से कितना कुछ हो सकता है, सिक्किम उसका एग्जाम्पल है। सिक्किम में गवर्नमेंट, हालांकि सिक्किम के जो लोग हैं बहुत ही टिमिड है, काम है, अगर सरकार यहाँ पर अच्छा ना होता तो लिटरली यहाँ का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है आज एक्सटिंक्ट हो जाता। लेकिन सरकार इतनी इफेक्टिव है, रूल्स और रेगुलेशंस इतने इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि आप देख ही सकते हैं 1.6% होने से क्या क्या एक शहर पे जो है इफेक्ट पड़ता है उसका, आप उसका एक नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं दैट सिक्किम इज बोल सकते हैं कि 10 years अहेड ऑफ अदर सिटीज। बट एनीवे, चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और कॉमेंट सेक्शन तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंडी वर्ल्ड की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो इंडी वर्ल्ड चैनल है यहाँ पे ज्वाइन फीचर, उसके बाद शॉपिंग, स्पॉन्सर्स, मल्टीपल अर्निंग ऑप्शन जो है वो एनेबल हो चुका है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए, और एक छोटा सा इन्वेस्ट करके ही जो है आप इंडी वर्ल्ड और उसके साथ ही SC म्यूजिक दोनों चैनल्स का पार्टनर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मेरा जो मेन फोकस है, मेरा IWF प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। आई एम वर्किंग इन सिक्किम राइट नाउ, और एक दो गाने और शॉर्ट फिल्म शूट करने के बाद ही यहाँ के गवर्नमेंट जो है काफ़ी फंडिंग और काफ़ी सपोर्ट मिलता है यहाँ के गवर्नमेंट से। तो अगर आप इन सब चीज़ों में मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। अगरतला में बांग्लादेश मिशन पर हमले के बाद पासपोर्ट वाले यात्रियों ने शिकायत की है कि वहां बांग्लादेशियों को होटल से बाहर निकाल दिया गया है। इनसिक्योरिटी के रीजन कई लोग सुबह से ही बांग्लादेश लौट गए हैं। दोनों देशों की अलग अलग सीमाओं पर सनातनी ओइक्या मंच के कार्यक्रम को लेकर तनाव है। ऐसी स्थिति में BGB ने सर्वेलेंस मजबूत कर दी है। BGB दो दिन धरे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर इलाकों में दो दिनों से दबा हुआ तनाव है। भाजपा के नेतृत्व वाले सनातनी ओइक्या मंच कार्यक्रम की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल और त्रिपुरा के अगरतला में स्थिति एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है। रैली की घोषणा के बाद BSF ने ब्राह्मणबाड़िया एकुरा सीमा पर बैरिकेड कर दी। अगरतला से लौटने वाले यात्रियों की शिकायत है कि वहां बांग्लादेशियों को होटल से बाहर निकाला जा रहा है। बांग्लादेशी यात्रियों ने हाईली इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। हम कल गए थे, हमने सोचा कि हम शायद 3 से 4 दिन रुकेंगे। हम उनके व्यवहार से बहुत हैरान हैं। जब भी वो लोग सुना कि हम बांग्लादेशी हैं, हम लोगों को होटल से निकल दिया है। जब भी लोग सुनते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। हम कल पूरा दिन रात घूमते रहे, किसी होटल का इंतजाम नहीं हो सका। मैं कोई भी सिम मैनेज नहीं कर सका। सभी होटलों ने यहाँ ठहरने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिससे कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अब कोई भी बांग्लादेशी भारत में नहीं रह सकता। भारत ने उनकी देश में यात्रा रोक दी है, फिर भी भारत ने यहाँ बैरिकेड कर रखी है, दो जगह जाम लगा दिया। भारत ने हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, एक पड़ोसी देश के तौर पर हमने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हम उनके व्यवहार से बहुत निराश हैं। बंदरगाह पर आयात और निर्यात गतिविधियाँ सामान्य हैं, लेकिन पासपोर्ट धारकों की यात्रा सीमित है। ऐसे स्थिति में बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब हम बाजार जाते हैं तो बांग्लादेशियों की पहचान जानने के बाद भारतीय हमें कपड़े नहीं बेचते। यहाँ तक कि जो लोग मेडिकल कारणों से गए हैं उन्हें भी त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पताल कोई इलाज नहीं दे रहे हैं। त्रिपुरा के होटल मालिकों ने वहाँ बांग्लादेशियों को होटल किराए पर न देने का बयान दिया है। इसे देखते हुए भारत जाने वाले यात्रियों की संख्या घटकर आधी रह गई है। इस बीच असम के करीमगंज सनातनी ओइक्या मंच के अवरोध के कारण जोकीगंज में सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात गतिविधियां दूसरे दिन भी बंद हैं। BGB को सिलहट सहित देश की सीमाओं पर सर्वोच्च सतर्क स्थिति में रखा गया है। अमीन बाबू, जमुना न्यूज।
तो सबसे पहले मोहम्मद मिंटू खान ने लिखा है कि बहुत अच्छी खबर है, बांग्लादेश के लोग कभी भी इंडिया में ना आ सके, ऐसा ही इंतजाम कर दो। उसके बाद माय फेवरेट मूवी ने कमेंट किया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, रिलीजियन, स्किन कलर, चाहे आप कोई भी हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए और इंडिया को रोकने के लिए हम सबको असेंबल होके भारत के सामने खड़ा होना है। वर्ल्ड मुस्लिम उम्मा, एक हो जाओ, असेंबल हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ। कांगलूज, असेंबल। उसके बाद मोहम्मद अबू ताहिरी इस्लाम ने लिखा है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप दूसरे देश चले जाइए, और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप बांग्लादेश में ही इलाज कराइए, पर भूल के भी इंडिया में मत जाइए। उसके बाद अहमद इदुल 3365 ने कमेंट किया है कि जो हमारे बांग्लादेशी लोग इंडिया में घूमने जाते हैं वो भी इंडिया की एक इनकम सोर्स है, और इस सोर्स को हमें जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। ये रहा बांग्लादेशी टूरिस्ट से इनकम, इसको अपने पिछवाड़े में डाल और निकल ले। उसके बाद राकिब बाबुआ किबीला ने लिखा है कि ठीक हुआ है, इंडिया में जाते ही क्यों हो, कौन सा मधु मिलता है वहां पे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम्हारे जैसे मेंढक जिसकी कुएं से बाहर निकलने की औकात ही नहीं है, वो भला कैसे ये जान सकता है कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसीलिए तो गोली खा के भी तुम्हारे देश के लोग इंडिया में आना चाहते हैं। उसके बाद मोहम्मद कमरुल हसन ने लिखा है कि भारत को रोकने के लिए हमारे 63 लाख BDP मेंबर्स ही काफी है, तो मेरे भाइयों तैयार रहो, समय आ गया है अपने ट्रेनिंग को काम में लगाने का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। उसके बाद मोहम्मद जायद ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी होके बोल रहा हूँ कि एक तरफ तुम लोग इंडिया की हर चीज बदनाम करोगे, इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट नारे लगाओगे, और दूसरी तरफ इंडिया की हर चीज तुम यूज भी करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम लोगों ने जो किया उसके हिसाब से इंडियंस ने जो तुम्हारे साथ किया वो फिर भी काफी सॉफ्ट है, तुम्हारे करतूतों के हिसाब से इंडिया ने कुछ भी एक्सट्रीम नहीं किया है। उसके बाद मिशुआक फोकिर ने लिखा है कि वीडियो देख के एक चीज तो बिल्कुल साफ है, हम बांग्लादेशी के कंपैरिजन में इंडियंस अपने देश से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद सेलिम बापी ने लिखा है कि अब किसी भी देश के लोग बांग्लादेशियों की इज्जत नहीं करते। उसके बाद आशीष ओडानी ने लिखा है कि बांग्लादेश ने सिर्फ बोला था कि बॉयकॉट, लेकिन इंडियंस ने उसे इंप्लीमेंट करके दिखाया। उसके बाद मास्टर कोया ने लिखा है कि बांग्लादेश के इस संगीन स्थिति के लिए यमुना टीवी जैसे बांग्लादेशी न्यूज चैनल सबसे बड़ा विलेंस है, यही सबसे बड़े जिम्मेदार है, इन लोगों के वजह से बांग्लादेश का जो सम्मान था वो मिट्टी में मिल गया है, और बांग्लादेश के जो गरीब थे वो सबसे बड़े अनिश्चयता में, सबसे बड़े अनसर्टेनिटी से वो भोग रहे हैं, और तुम लोग मजे से एसी रूम में बैठ के बांग्लादेश के गरीबों का सत्यानाश कर रहे हो। उसके बाद राजीव कुमार हजारी ने लिखा है कि बांग्लादेश में अच्छे टॉप हॉस्पिटल्स जो है वहां पे जिस कॉस्ट में चिकित्सा होती है उसी पैसे से अगर आप इंडिया जाते हो तो लाख गुना बेटर चिकित्सा जो है आपको मिलती है इंडिया में। उसके बाद इस्माइल अहमद ने कमेंट किया कि इंडिया के साथ रिश्ता जितना भी खराब होगा बांग्लादेश के लिए उतना ही अच्छा है। उसके बाद फन टाइम ने लिखा है कि लड़ेगा बांग्लादेश, जीतेगा बांग्लादेश। उसके बाद जीशो शाह ने कमेंट किया है कि इंडिया का ऑप्शन चला गया तो क्या हुआ, हम पाकिस्तान जाएंगे ट्रीटमेंट कराने। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार। उसके बाद शिल्पी अजीज ने कमेंट किया कि हम बांग्लादेश के लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार है, कुछ स्टूडेंट्स ने आंदोलन क्या किया, हम लोगों ने उछलते उछलते उसको बिना कुछ सोचे ज्वाइन कर लिया उस आंदोलन को, और फिर पाकिस्तान को हम अपना दोस्त बना रहे हैं, पाकिस्तान वही देश जिन्होंने हमारी मुंह से भाषा छीन ली थी। उसके बाद जैकर जैकर 650 ने कमेंट किया कि लेकिन भाइयों मैं कुछ दिन पहले ही कोलकाता गया था और वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, कोलकाता के लोग बहुत उदासीन हैं, बेसिकली कुछ होगा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में नहीं सोच रहे, जिस दिन उनके घर में ये मूल्य घुसेंगे ना उस दिन कोलकाता के लोगों को पता चलेगा।